आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। ड्राइवर से मोबाइल लूटने वाले दो अभियुक्त उपेंद्र यादव और दीपक यादव को खजनी थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल सकुशल किया बरामद। फर्जी था गाड़ी व 1,05,000 की लूट, केवल मोबाइल की हुई थी लूट। मुकदमा दर्ज कर दोनों अभियुक्तों को भेजा गया जेल। एसपी साउथ ने दी जानकारी। मकान दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 15,000 रुपए के इनाम या अभियुक्त गोकुल साहनी को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी सिटी ने दी जानकारी। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विजयदशमी के दिन 4 अक्टूबर को गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली शोभा यात्रा की सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस है मुस्तैद। एसपी सिटी ने गोरखनाथ मंदिर से ड्रोन उड़ाकर आसपास के क्षेत्रों का किया निरीक्षण। कहा, सभी तरह के खतरों से निपटने की तैयारियां हैं पूरी। सकुशल सम्पन्न कराया जाएगा गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा एवं जुलूस। बच्चा चोरी मामले में एक नई बात आई सामने। लखनऊ के एक परिवार को सही तरीके से बच्चा एडॉप्शन के नाम पर पहला फुसला कर लाया गया था गोरखपुर। एक व्यक्ति के मोबाइल से बच्चों के मिले 20 फोटो की जा रही है छानबीन। एसपी सिटी ने दी जानकारी। जिला समाज कल्याण बोर्ड एवं किन्नर समाज की संयुक्त बैठक सीडीओ संजय कुमार मीणा की अध्यक्षता में हुई संपन्न। कहा, ट्रांसजेंडरों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तर प्रदेश सरकार। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत भाजपा महानगर इकाई द्वारा हर घर टीबी बीमारी से मुक्त करने के कार्यक्रम के तहत एमएलसी एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने टीबी मरीज से मिलकर लिया उनका हालचाल, दिया पौष्टिक आहार की टोकरी। कहा, पीएम मोदी के संकल्प की 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाना है को साकार करने में सहयोग करेगी भारतीय जनता पार्टी। गोरखनाथ मंदिर में शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप में माँ स्कंद माता देवी का विधि विधान से किया गया पूजन अर्चन। एक विशेष अनुष्ठान के क्रम में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की चरण पादुका का भी पांचवें दिन हुआ पूजन। और गांधी विचार मंच तथा अखिल भारतीय प्रबुद्ध वैश्य समिति के संयुक्त तत्वावधान में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर सम्मान समारोह का किया जा रहा है आयोजन। गांधी विचार मंच के अध्यक्ष सुभाष चंद्र गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी।